जमशेदपुर कदमा थाना अंतर्गत फार्मा एरिया के रहने वाले टाटा स्टील के सीनियर सुपरवाइजर देवाशीष मिश्रा के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने गहने, नगद और अन्य सामानों की चोरी कर ली। आपको बता दें कि चोरों ने 2 घंटे में ही 90,000 रुपए नगद, 2 कैमरा समेत कई सामानों की चोरी कर ली। घटना बीती रात की बताई जा रही है। इस संबंध में देवाशीष के बयान पर अज्ञात के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि देवाशीष मिश्रा अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वहाँ करीब 1.5 घंटे रुकने के बाद वह अपने घर 9 बजे के लगभग पहुँच गए थे, जहाँ दरवाजा खोलने पर पाया गया कि कमरे में रखा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। साथ ही दोनों कमरे में रखा हुआ आलमारी का पूरा सामान भी बिखरा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की गिरफ्तारी में जुट गई है। क्या बोलते हैं, 7, 7:30, 8 के बीच हम लोग चारों गए थे एग्रीको, वही आपका 9:15 तक हम लोग वापस आ गए थे। जैसे मैं वापस आई तो गेट कार डालने में, मतलब कार अंदर डालने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं लॉक खोल के जैसे ही अंदर आया तो देखा कि ये खुला था दरवाजा, ये दरवाजा खुला था। वो उस रूम से जैसे मैंने झांका, देखे अलमीरा का सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, इस रूम का फ्रीजर, तब मैं दौड़ के गई, मैं समझ में आ गया कि चोरी का काम। फिर मैं दौड़ के बाहर गए तो तब तक कुछ नहीं था, देखा ग्रिल उल सब खुला है, लोटा चोर चोर करके चिल्लाए तो आसपास के लोग ने आया, तो लोगों को भी समझ में बोलता नहीं, समझ में तो नहीं आया बोला। फिर हम लोग का पीछे वो सीसीटीवी वाले उन लोग के उसमें से देखा तो देखे कि एक लड़का कोई दिखा रहा था, अंदर घुसा बाहर बहुत धुंधला सा एक तो पिक्चर आया। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। We have like very less facilities in terms of, you know, education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives. And I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.